इस बीच कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने न्यूज 18 से बातचीत में खुद को जनता का सेवक बताया और दावा किया कि राहुल गांधी उनको जो जिम्मेदारी देंगे उसको वो पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। मैं मध्य प्रदेश का सेवक था, सेवक हूं और जिंदगी के आखिरी सांस तक रहूंगा। किस रूप में मैं सेवक रहूंगा वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी तय करेंगे। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जम्मू कश्मीर के सोपोर से। सुरक्षा बल ने मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया है। सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच कल से मुठभेड़ चल रही है। रिफत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। रिफत, कामयाबी मिली है, एक आतंकी मारा गया है, मौजूदा स्थिति क्या है? देखिए जसप्रीत, ये जो ब्राट का इलाका है ये सोपोर में नॉर्थ कश्मीर में पड़ता है और वहाँ पे कल शाम को ही जो है कॉर्डन सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। तकरीबन 8:30 बजे के करीब जो है कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हो गया, फायरिंग शुरू हो गई और रात भर ये एनकाउंटर चला। अभी जो खबर आ रही है एक मिलिटेंट मारे जाने की खबर आ रही है। बताया गया था कि 3 से 4 मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं। अभी फायरिंग का सिलसिला जारी है। कल रात को भी जो फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ था, धमाके हो रहे थे रात भर और अभी एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर आ रही है। 2 से 3 से 4 मिलिटेंट के खबर छुपे होने की खबर वहां पे थी, तो अभी शायद एनकाउंटर में टाइम लग सकता है। फिलहाल फायरिंग हो रही है। रिफत, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। गोरखपुर के चितुवाताल इलाके में एक स्कूल प्रबंधक की कुछ लोगों ने बेरहमी से पिटाई कर दी। बताया गया कि उन्होंने दूसरे स्कूल के मैनेजर को वहां नाली बनाने से रोका था, जिसके बाद सेंसोरियन चिल्ड्रन एकेडमी के मैनेजर ने अपने साथियों के साथ मिलकर शिव शांति चिल्ड्रन एकेडमी के प्रबंधक को पहले जमीन पर गिराया, फिर उनकी लात, घूसों और डंडों से पिटाई कर दी। इस बीच स्कूल ड्रेस पहने एक लड़के ने उन पर ईंट से हमला बोला। सोशल मीडिया पर वायरल स्कूल के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में दिखाई दिया कि कुछ लोगों ने आते ही पहले एक आदमी को अपने कब्जे में लिया, फिर उसको पीटने लगे। दावा किया गया कि इस हमले में शिव शांति चिल्ड्रन एकेडमी के प्रबंधक गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया गया कि स्कूल प्रबंधक ने अपने स्कूल की दीवार के पास नाली खोदने से मना किया था। संसद में शीत सत्र के दूसरे दिन राफेल मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। 3 राज्यों के चुनाव में मिली कामयाबी के बाद जोश से भरी कांग्रेस ने सरकार को पूरी ताकत से घेरने की कोशिश की और लोकसभा के अंदर और बाहर ये मुद्दा जोर शोर से उठाया। संसद परिसर में कांग्रेस सांसद सुनील जाखड़ कागज का जहाज हाथ में लेकर खड़े हो गए। ये राफाल का भूत है जो मोदी सरकार का पीछा छोड़ने वाला नहीं है जब तक जेपीसी नहीं बनती। इसी तरह सदन के भीतर भी राफेल सौदे की जांच की मांग करते हुए विपक्ष ने खूब नारेबाजी की। उन पर स्पीकर की अपील का भी असर नहीं हुआ। इसके बाद स्पीकर ने लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी, लेकिन बाद में भी लोकसभा में कामकाज मुमकिन नहीं हुआ। राफेल के साथ आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य के मुद्दे पर भी नारेबाजी शुरू हो गई, जबकि राज्यसभा में AIADMK ने किसानों का मुद्दा उठाया और सदन की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा शुरू कर दिया। AIADMK के सांसद हाथों में पोस्टर लेकर वेल में खड़े हो गए। नारेबाजी कर रहे सांसदों पर सभापति की अपील का कोई असर नहीं हुआ। हाउस वांट टू फंक्शन एंड डिस्कस इश्यूज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, वी विल डू इट। If you don't want, declare it and then why unnecessary waste of time and waste of money of the people? राज्यसभा में कांग्रेस ने राफेल सौदे पर तुरंत चर्चा कराने की मांग की थी, इसलिए जब सदन की कार्यवाही स्थगित हुई तो TMC ने सरकार को घेर लिया। डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट किया कि तृणमूल समेत विपक्षी पार्टियां संसद में सभी मुद्दों पर बात करना चाहती हैं। हम चाहते हैं कि संसद चले और हम सरकार को जिम्मेदार ठहराएं। हालांकि BJP तमिलनाडु के अपने सहयोगी को कार्यवाही रोकने के काम में लगा रही है, मैच फिक्सिंग। हालांकि सरकार ने भी राफेल पर हो रहे हंगामे को लेकर विपक्ष को निशाना बनाया। सरकार कहती है आप चर्चा तो करिए, आप बिना ही चर्चा के JPC चाहते हैं क्या? आप बिना ही चर्चा के सोचते हैं कि भाई हाउस चले, तो ऐसा तो संभव नहीं है। विजय गोयल ने दावा किया कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है।